आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में तो पता ही होगा, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इन सबके नाम तो आप बार बार सुनते ही आए हो। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पूरी पृथ्वी पर सबसे अमीर फैमिलीज कौन सी है? वो कौन सी फैमिलीज है जो टॉप 10 में आती है, और वो क्या करती है, उनके काम क्या है, और उनकी नेटवर्थ क्या है? तो बात करते हैं बिना समय गवाए सीधे काम की बात पर। नंबर 5वें पे है अंबानी फैमिली, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी और उनका परिवार दुनिया के 10 सबसे अमीर परिवारों में एक ही ऐसा परिवार है भारतीय का जो पूरे दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में आता है। रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत 1957 में धीरूभाई अंबानी ने की थी, जिसे 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ के बाद उनके दो बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बांट दिया गया था। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी सबसे अमीर आदमी है और दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं। मुकेश अंबानी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के मालिक है जो कि गुजरात के जामनगर में है, और कुछ ही सालों पहले इनका बनाया हुआ घर एंटीला दुनिया का सबसे महंगा घर है जिसकी विकिपीडिया के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट $3 बिलियन है। नंबर 4 पर है अल साउद, सऊदी रॉयल फैमिली। इस लिस्ट में चौथे स्थान पर सऊदी अरब का अल सऊदी परिवार आता है। ये परिवार सऊदी अरामको कंपनी के मालिक है। अल सऊदी परिवार की कुल संपत्ति $100 बिलियन है। वैसे तो अल सऊदी परिवार में लगभग 15,000 सदस्य है, लेकिन सऊदी के 7वें किंग के बेटे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पास $1 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ है। अल सऊद वह परिवार है जो पिछले 88 ईयर से सऊदी अरबिया की सत्ता में है और ऑयल के बिजनेस के कारण रेगिस्तानों को सोने की खान में बदल दिया है। नंबर 3 पर है कोच फैमिली, कोच इंडस्ट्रीज। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं अमेरिका की फैमिली। जी हाँ, अमेरिका का कोच परिवार विश्व का तीसरा सबसे धनी परिवार है। कोच परिवार की नेटवर्थ $109 बिलियन है। फ्रेड कोच एक केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने कोच इंडस्ट्री नाम से ऑयल एंड केमिकल का बिजनेस शुरू किया था। फ्रेड कोच की डेथ के बाद उनके 4 बेटे फ्रेडरिक, चार्ल्स, डेविड और विलियम को उनके फादर का इतना बड़ा बिजनेस विरासत में मिल गया। लेकिन 1980 में हुए एक झगड़े के बाद फ्रेडरिक और विलियम परिवार से अलग हो गए, तो चार्ल्स और डेविड ने अपने पिता के बिजनेस को संभाल लिया और डेविड कोच की अभी हाल ही में डेथ हो गई, जिसके बाद अब सीईओ चार्ल्स कोच ही इतनी बड़ी कंपनी संभाल रहे हैं। नंबर 2 पर है मार्स फैमिली। विश्व के सबसे धनी परिवारों के लिस्ट में दूसरे स्थान पर भी अमेरिका का ही परिवार आता है। मार्स परिवार विश्व का दूसरा सबसे धनी परिवार है। फ्रैंकलिन क्लेरेंस मार्स ने टॉफी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी से इतना नाम कर दिया कि सभी देखते ही रह गए। उन्होंने मार्स इंक नाम की कंपनी खोली और आज के समय में मार्स परिवार दुनिया का दूसरा सबसे धनी परिवार है। मार्स फैमिली की कुल संपत्ति $126 बिलियन है। मार्स परिवार की कंपनी का रेवेन्यू लगभग $38 बिलियन है। इसमें आधा पैसा पालतू पशुओं की देखभाल के प्रोडक्ट से आता है। अब बात करते हैं नंबर 1 फैमिली की, जो पूरी पृथ्वी की सबसे अमीर फैमिली है। वो है वॉल्टन फैमिली। वॉलमार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर परिवार वॉल्टन परिवार है। इस परिवार के नेटवर्थ $215 बिलियन है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर जो इंसान है उससे ज्यादा है ये। वॉलमार्ट दुनिया में सबसे बड़ी रिटेल चेन है, मतलब जैसे बिग बाजार होते हैं, रिलायंस के सुपरमार्केट होते हैं, वैसे ही वॉलमार्ट के पूरी दुनिया में 11,000 से ज्यादा स्टोर्स है। और अगर पिछले साल 2020 के डेटा की बात करें तो वॉलमार्ट का टोटल रेवेन्यू $559 बिलियन यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था 2020 में। मतलब वॉलमार्ट का रेवेन्यू दुबई की टोटल जीडीपी जो कि $421 बिलियन है उससे भी ज्यादा है। वॉलमार्ट फैमिली हर मिनट $70,000 यानी कि 50 लाख के आसपास रुपए कमाते हैं और हर घंटे के $4 मिलियन अगर इसको रुपए में देखें तो होते हैं 28 करोड़ 46 लाख रुपए एक घंटे में ये फैमिली कमाती है। और हर दिन 100 मिलियन यानी कि 712 करोड़ रुपए एक दिन की कमाई है इस फैमिली की। तो ये थे दुनिया के सबसे अमीर परिवार। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग ये तो मेरा चैनल विजिट करो, इससे अमेजिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस हो जाएगी। और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है यार, बेल आइकन पे भी क्लिक कर सकते हो।